नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं वेजिटेबल क्रॉप के बारे में, फुल डिटेल पढ़ेंगे इसके। जितने प्रश्न आ सकते हैं उन सारे प्रश्नों का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कोई प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस लिंक को जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाएं, ताकि आज की शाम बहुत ही मजेदार बना लूं वेजिटेबल क्रॉप के साथ। फटाफट आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़े। जो भी बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, रजत कुमार, निर्मल जांगीर, सुरेश चंद्र सैनी, रवि जी, गुड इवनिंग, डोरेमोन, नीतू धाकड़, कंचन लोहार, मोहित कुमार माली, चौहान एस चौहान, अंकित कुमार मीणा, नैना कुमावत, कुवर योगेश प्रजापत, बिल्कुल योगेश सही है, अक्षय कुमार मीणा, और जो अपने सार में है, मैं पिछले भी अभी क्लास में बताया था, उससे डिटेल पढ़ेंगे आज। तो ये नहीं कि आपको पढ़ा हुआ है तो आपको बेनिफिट्स नहीं होंगे, बिल्कुल आपको भी बेनिफिट्स होने वाले हैं सब। आज मजेदार तरीके से आज हम पढ़ेंगे आलू को। जल्दी जल्दी थोड़ा सा शुरू करें, 2 मिनट और बचे हैं अपने, 2 मिनट में अपने शुरू करने वाले हैं टॉपिक। अक्षय जी, सुनीता, मधु शर्मा, ग्रवित, वेलकम बैक, बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है ग्रवित। अभिषेक चौधरी नमस्कार, अश्विन कुमार जी नमस्कार आपका, कांता जी आ गए हैं, कांता चौधरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुरू करें क्या करें, 2-4 मिनट शुरू में ना बड़ा बोरिंग लगता है, वो आते हैं ना वो अजीब सा कि अभी लड़के आएंगे, इंतजार करो, तब तक क्या करो सर, तब तक करें क्या, देख मुझे भी क्या, ये बर्डन वाले फील होते हैं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। तो जल्दी जल्दी से आप आए, मैं तो हूं ही आपके लिए इंतजार। कभी भी कोई छोड़ दे ना, मेरा दरवाजा खुला हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे आप पधार सकते हो, फटाफट आ सकते हो दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़े और मजेदार आज ट्यूबर क्रॉप के जो सबसे घातक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार, जिससे क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा, वो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, यानी ट्यूबर क्रॉप का इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं बेसिकली शुरू करूं ऊपर से पॉइंट, तो ट्यूबर क्रॉप में क्या होते हैं सर, जरा ऊपर ऊपर बता दे। तो जितने भी ट्यूबर क्रॉप होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाएगा, बिल्कुल आपको भी पता है कि अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे, तो ट्यूबर क्रॉप कौन कौन होते हैं सर जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे, तो ट्यूबर क्रॉप 2-4 ट्यूबर क्रॉप के दिमाग में होना चाहिए। बहुत ज्यादा है तो अपने लड़के को 2 तो याद होते हैं, कौन कौन, एक तो आलू याद हो जाते हैं, दूसरा शकरकंद याद होते हैं, इसके बाद ट्यूबर क्रॉप भूल गए, इसके बाद ट्यूबर क्रॉप का पता ही नहीं कि क्या होते हैं ट्यूबर क्रॉप। तो जल्दी जल्दी से आप लोग करें। तो ट्यूबर क्रॉप सर, आजकल बड़े रोमांटिक हो आप, क्या बात है, बिल्कुल क्या करूं, मजा नहीं लग रहा है ना, कोई है नहीं लड़का तो पकाऊं किसे, पकाने वाला तो कोई होना चाहिए। धर्मपाल जी फॉगेट, जितेंद्र मेनारिया, अश्विन कुमार, चले तो अब हम सॉफ्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो क्या आपने पढ़ा कि जितने जो ट्यूबर क्रॉप होंगे इसमें इंपॉर्टेंट जो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट होंगे। और मैंने आपको बताया था कि आलू में जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च किस रूप में होता है, वो आपको दिमाग में रखना है, किसमें, थैरिना के रूप में, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। देखें पहला पॉइंट जो हम समझते हैं यहां से,
कि जब हम आलू को लेते हैं दिमाग में तो हमारे मन में आना चाहिए कि जो हम ट्यूबर खाते हैं वो कौन सा भाग है, वनस्पतिक भाग है। केवल कौन सा भाग है, वनस्पतिक। बहुत सारे लड़के का ये मानना रहता है कि सर आलू में बीज नहीं देखा, तो बीज बनते ही नहीं होंगे। तो बिल्कुल उसमें बीज बनते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया है कि ये है ट्रू पोटैटो सीड, जिसे आप सत्य आलू बीज कहते हो ना। तो हो सकता है टीपीएस में आपको वहां पे नहीं दिखाऊं मैं, टीपीएस में यहीं पे आप देख लो कि ये है ट्रू पोटैटो सीड। बच्चों को ये देखना जरूरी होता है कि टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड क्या है। डिटेल में तो आज हम पढ़ेंगे ही कि ट्रू पोटैटो सीड क्या है। ये मैंने दिखा दिया, ये आलू का बीज है जिसका आपने टीपीएस में बीज दर भी याद किया होगा, कितना होते हैं 100 से लेकर 150 ग्राम। तो ये दोनों पॉइंट हमने एक जगह इसलिए लाया कि एक जगह तो आप बोलते हो कि टीपीएस की बीज दर केवल 100 से 150 ग्राम लेते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं अगर इस आलू के ट्यूबर को हम लगाते हैं जिसको ट्यूबर कहते हो तो इसकी सीड रेट हम रख लेते हैं कितना, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो देखो ये चीज अपने को समझ में नहीं आते थे कि यार एक तरफ तो बीज दर आप क्या बोल रहे हो 15 से 20 क्विंटल, और दूसरे तरफ हम बोलते हैं कि यार 10 से 15 के 100 से 150 ग्राम होते हैं। तो 100 से 150 जो ग्राम होते हैं ये केवल क्या है दोस्त, सत्य आलू बीज। आलू में फूल भी लगेंगे और फूल लगेगा तो उसमें बीज भी लगेंगे। तो वो जो ट्रू बीज होते हैं ना उसकी बीज दर, ये ज्यादातर उपयोग कौन करते हैं, वैज्ञानिक लोग करते हैं। वो वैज्ञानिक ट्यूबर बना करके हमें देते हैं, हम किसानों को। तो हम किसान क्या है उस ट्यूबर को क्या करते हैं, लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो ये 100 से 150 यहां क्या है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसका, ये मेन ब्रांच होंगे। इसमें देखो आलू में ये फ्लावर भी होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फूल आपने देखा, बहुत कम लड़के फूल देखते हैं कि आलू में फूल भी होते हैं। अब अगर जिसमें फूल लगेगा तो एंजियोस्पर्म की यही कैरेक्टर है। कोई भी अगर आपसे पूछा जाए कि एंजियोस्पर्म जिसे आवर्त बीजीय पादप बोलते हैं, अगर उसमें फूल है तो फल भी लगेंगे, और इसके फल ये जो लगते हैं दोस्त इसी फल को हम कहते हैं बेरी। क्या कहते हैं इसके फल को, बेरी। आपको पूछ लेगा कि आलू के फल प्रकार क्या है, तो आलू के फल प्रकार होते हैं बेरी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछने वाला है कि जो गुच्छे में लगते हैं, मैंने पहले भी बताया था ये क्या लग रहा है गुच्छा में, तो जो गुच्छे में लगते हैं इसका फल प्रकार क्या होगा, बेरी। अब ये एंजियोस्पर्म का है, तो एंजियोस्पर्म का है तो ये क्या होंगे, इसमें फूल आएंगे, और फूल आपको दिखा दिया ये इनफ्लोरोसेंस, इसका आपने देख लिया कि ये फूलों का क्रम है, ये इसका ट्यूबर है। अब दो पॉइंट और समझते हैं। यहां पे आपने सत्य बीज देख लिया, इसको बोटनिकली सीड बोलते हैं। बोटनिकली जो सीड होता है उसको टीपीएस कहते हैं। यह भी प्रश्न बहुत अच्छा बनता है कि आलू के जो सीड होते हैं बोटनिकली सीड, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड। तो यहां से दो प्रश्न, आलू के बोटनिकली सीड को हम क्या बोलते हैं, टीपीएस। फल प्रकार क्या होते हैं, गुच्छे में लगते हैं दोस्त, उसको हम क्या बोलते हैं, बेरी। ये एंजियोस्पर्म का है, इसमें फूल लग रहे हैं। अगर ट्यूबर के द्वारा करोगे तो बीज दर कितना है 15 से 20, ये बड़ा कंफ्यूजन होते थे। सत्य अगर बीज लगाएंगे कि ये फूलों में इसमें बीज लगेगा तो ये बीज कितना होंगे 100 से 150 ग्राम। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। अगला है कि अगर पेड़ प्लांट जो है आलू का, जैसे आपने देखा आलू का अरेंजमेंट इस तरह से है, यानी तना के साथ कुछ इस तरह के अरेंजमेंट है, ऐसा अरेंजमेंट है। अगर तना के साथ आलू का इस तरह का अरेंजमेंट होगा, ऐसे ऐसे वाले इस तरह के, अगर तना के साथ ब्रांचिंग इस तरह से हो और लगे 90 डिग्री के लगभग ये कोण बन रहे हैं, तो ऐसे प्लांट कहलाते हैं दोस्त डाइकॉट प्लांट। क्या कहलाते हैं,
डाइकॉट प्लांट, तो द्वि बीज पत्री जिसे कहते हो ये। लेकिन अगर ब्रांच ऐसा हो, तना ऐसा हो और इसके साथ अरेंजमेंट ऐसा हो, पैरेलल अरेंजमेंट हो, कुछ इस तरह के अरेंजमेंट होते हैं, तो ये कहलाते हैं मोनोकॉट। बड़ा इजी, आपको ध्यान रख लोगे कि मोनोकॉट ये होते हैं, डाइकॉट ये होते हैं। इसके अगर बीज को देखोगे तो बीजों को आप आसानी से दो भाग में बांट सकते हो, जैसे चना का हो गया, मटर का हो गया, काजू का हो गया। पर इसके बीजों को ना आप आसानी से दो भाग में नहीं बांट सकते हो, जैसे गेहूं का हो गया, ज्वार का हो गया, बाजरा का हो गया। जितने ग्रेमनी होते हैं ना, ये ऐसे मोनोकॉट वाले होते हैं। लगभग जो खरपतवार आप पढ़ते हो, ये सब किस क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। लेकिन सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में फूल जो होते हैं एलिएसी, बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, एलिएसी कूल वाले क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। एलिएसी में क्या होता है, प्याज आ जाएंगे, लहसुन आ जाएंगे, ये सब होते हैं क्या, मोनोकॉट। अगला डायोस्पोरेसी, डायोस्पोरी, इसमें कौन आते हैं सर, डायोस्पोरिया एलाटा, यानी आम वाले जो ग्रुप, याम, याम जिसको रतालू वाले बोलते हो, ये भी क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। एस्पेरेसी, ये भी क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा अरेंजमेंट हो तो ये क्या कहलाएंगे, ये मोनोकॉट होंगे। जैसे ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ये सब सब क्या कहलाएंगे, मोनोकॉट कहलाते हैं। जितने आपने गेहूं को देखा होगा ऐसे प्लांट होते हैं, ज्वार वाले ऐसे होते हैं, चावल वाले ऐसे होते हैं, गन्ना ऐसे सरसरा के उग जाता है, बांस का पेड़ देखा होगा ऐसे आ जाते हैं, तो ये सब सारे मोनोकॉट है। लेकिन इस तरह की शाखा आ जाए, जैसे अमरूद में हो गया, अब केला पूछ ले तो केला में ऐसा आते हैं मोनोकॉट, अनानास पूछ ले तो पाइनएप्पल में ऐसा आता है, तो वो क्या है, मोनोकॉट, तो आप पकड़ लोगे। अब आपसे पूछा है कि भाई पोटैटो क्या है, तो पोटैटो है ये डाइकॉट, पोटैटो कैसा है, डाइकॉट। अब पूछ ले कुकरबीट्स कैसा है, तो कुकरबीट्स डाइकॉट। बैंक में पूछते हैं ये क्या है, गाजर क्या है, तो ये ऐसे ऐसे जो प्रश्न आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, तो आप कमेंट में बताना कि गाजर कैसा है, तभी आपको समझ में आएगा ना कि ये कैसा है। तो अब हम आगे चलते हैं अगला पॉइंट की ओर, जो बेसिक पॉइंट था वो हमने कंप्लीट किया। टॉपिक को शुरू करने के पहले दोस्त, ये कहानी हमें जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यही पता नहीं लगता है कि आलू में क्या फल भी लगते हैं और आलू में फूल भी लगते हैं, क्या आलू डाइकॉट है, आलू मोनोकॉट है। तो ये सब बेसिक पॉइंट अगर शुरू करके मैं चलूं ना, तो क्रॉप पढ़ने में आपको मजा आएगा और आनंद भी आएंगे। अब हम जब ट्यूबर क्रॉप की बात करते हैं, तो ट्यूबर क्रॉप में आपको पता है कि ट्यूबर क्रॉप में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट होंगे। अब इस कार्बोहाइड्रेट से प्रश्न बहुत अच्छा बनेगा कि सबसे ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए तो वो होते हैं टोपियोका में, यानी कसावा में। कसावा में लगभग 38% तक का, इसे हम बोलते हैं कसावा, इसमें लगभग 38% तक का होता है कसावा। कसावा को बोलते हो अंग्रेज लोग, क्या बोलते हैं, टोपियोका। इसमें 38% कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसके बाद होते हैं शकरकंद में, और आलू में ज्यादा नहीं, आलू में लगभग 22 से लेकर 24% तक का कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। आलू से ज्यादा पाया जाता है स्वीट पोटैटो में, और सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, कसावा में पाए जाते हैं। तो ये कसावा आपने देखा ना, कसावा देखता है तो लगता है ये ना कोई राक्षस होंगे, पहले हमें पता ही नहीं लगता था ये कसावा है क्या। पर बच्चों को इमेज के माध्यम से दिखाता हूं, जैसे आपको बोला जाए कि कसावा, शकरकंद, याम, रतालू, ये सब क्या होते हैं सर, तो बच्चे के मन में आना चाहिए, अरे यार शकरकंद तो गांव में देखा हूं, शकरकंद के जैसा ही होता होगा ये सब सारे, तो शकरकंद के जैसा, तो ये कसावा है। ये जानते हो, ये आपने अरबी का नाम सुना होगा, जिसे तारो के नाम से जानते हैं, तारो याम, तो ये अरबी है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेंगे। ये है एलिफेंट फुट आम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है भाई साहब, ये इसका नाम क्या है, एलिफेंट फुट आम, यानी हाथी के पैर, देखे हो हाथी के पैर, ये चपटे होते हैं, तो हाथी के पैर के जैसा। सबसे ज्यादा जो इचिंग होते हैं, यानी पंजेंसी होते हैं, बनाने में एक खुजली जो हाथ में लगते हैं, मम्मी उम्मी देखा होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण जो वो खुजलीपन होते हैं हाथों में सब्जी बनाने में, सबसे ज्यादा होते हैं इसमें दोस्त, एलिफेंट फुट आम में। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाथी के पैर के जैसा लग रहा है आगे के जैसा, इसीलिए ये कहलाता है एलिफेंट फुट आम। ये सारे कहलाते हैं ट्यूबर क्रॉप, चाहे पोटैटो की बात करो, चाहे स्वीट पोटैटो की बात करें, टोपियोका की बात करें, एलिफेंट फुट आम की बात करें,
या तारो, तारो इसी को आप ऐसे समझा देता हूं, कोलोकेशिया या अरबी, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, कोलोकेशिया या अरबी तो आपको दिक्कत नहीं होंगे समझने में। ये हमने कुछ पॉइंट समझा जो दोस्त किसका है, ट्यूबर क्रॉप के बारे में, कि ट्यूबर क्रॉप में ये सब सारे पॉइंट हमें पढ़ना है, लेकिन हमें ट्यूबर क्रॉप में केवल पढ़ना है अभी किसके बारे में, आलू के बारे में। तो आलू की कहानी आगे जाके हम शुरू करते हैं। नरेंद्र जी मोदी बोल रहे हैं हाय अमित, ये फालतू वाले क्या कमेंट, हाय अमित, हेलो अमित, आगे बढ़ते रहो आप लोग। अब हम समझते हैं कि ये जो सब्जी होते हैं, इन सब्जियों में सबसे सर्वोत्तम अगर माना जाए तो आलू को मानते हैं। जानते हो आलू के लिए क्या क्या प्रश्न बनेगा, जरा मैं आपको बताता हूं। आयरलैंड में इसे स्टेबल फूड के नाम से जानते हैं, स्टेबल फूड का मतलब। और विश्व में अगर देखा जाए तो गेहूं, चावल, मक्का, इन तीन क्रॉप के बाद चौथा क्रॉप जो आता है वर्ल्ड पोजीशन पे, वो आलू आते हैं। फोर्थ नंबर का कौन है, ये आलू है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है कौन, आलू। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि आलू जो होते हैं ये सब्जियों का क्या है, राजा है, जबकि भिंडी क्या है, सब्जियों की रानी, ये सबको पता है। तो इसमें अपने ज्यादा कोई बहस करने वाले नहीं है, लेकिन आलू में प्रचुर मात्रा में जो स्टार्च पाए जाते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, इस पे आप स्टार लगा लेना, किस रूप में पाए जाते हैं, फेरिना के रूप में पाए जाते हैं। इसके प्रोपगेशन की बात करूं तो किसके द्वारा प्रोपगेशन करते हैं, ये ट्यूबर के द्वारा करते हैं। और इस ट्यूबर के जो होते हैं, इसकी इस ट्यूबर की जो वजन होता है, इंपॉर्टेंट है वजन, ये होना चाहिए कितना प्रोपगेशन के लिए, 45 से 50 ग्राम होना चाहिए। एवरेज अगर वजन पूछ लिया जाए ट्यूबर का तो कितना होना चाहिए, 45 से 50 ग्राम होना चाहिए। यह इंपॉर्टेंट है कि भाई आलू जो होते हैं उसके ट्यूबर का वेट कितना होना चाहिए, 45 से। अब इसकी ज्यामिति जब लगाओगे तो कितना होना चाहिए, 60 से लेकर 20 सेंटीमीटर इसका ज्यामिति। और फल प्रकार की हमने बात कर दिया कि फ्रूट टाइप क्या होना चाहिए, इसका बेरी होना चाहिए। तो ये हमने इतने पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पॉइंट है कुछ नया मैं लिख के लाया हूं, जो अपने छूट गए, जो एग्रीकल्चर सार में नहीं है, तो भी ऐसे ऐसे तीन स्लाइड है दोस्त, यानी कि 20 पॉइंट ऐसे मैं लिख कर लाया हूं जो आपको एक्स्ट्रा आज मिलने वाले हैं। जरा देखें वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है। अगला है इंपॉर्टेंट है किंग ऑफ वेजिटेबल्स, इसे किंग ऑफ वेजिटेबल्स कहते हो, बिल्कुल पुअर मैन्स फ्रेंड भी कहते हैं और पुअर मैन्स स्ट्रेंथ भी कहते हैं, यानी गरीबों की ताकत कौन है, तो गरीबों की ताकत आलू है, इंपॉर्टेंट बेचारा, इसको पुअर मैन्स फ्रेंड बोलते हैं, गरीबों का क्या बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए, फोर्थ मेजर फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चौथी सबसे बड़ा ये क्रॉप है वर्ल्ड में, किसके किसके बाद, गेहूं, चावल और मेज के बाद अगर देखा जाए तो आलू का नंबर आता है फोर्थ पोजीशन में पूरी वर्ल्ड में। आलू कैसा है, जो अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि आलू डाइकोट है, द्विबीजपत्री प्लांट है और रिच सोर्स होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको बता दिया है कि आलू में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 22.6% है और स्टेबल फूड ये किसका है दोस्त, आयरलैंड का। तो मैं डिस्कस कर चुका हूं ये पॉइंट कि स्टेबल फूड किसका है, आयरलैंड का। लेकिन आलू हमारे भारत में आया किससे, तो पुर्तगीज लोग लेके आए थे, पुर्तगाल से आया था आलू। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ कहां से, पुर्तगीज से। अब कहा जाता है कि अपने देश में सबसे ज्यादा आलू किस क्षेत्र में होते हैं, तो ये होते हैं दोस्त नॉर्थ इंडिया प्लेन में। ध्यान रखना, उत्तरी भारत के जो समतली मैदान होते हैं ना, यहां सबसे ज्यादा आलू होता है। और पूरी एग्रीकल्चर में आपको बता दूं कि आलू जो है टोटल जीडीपी का 2.8% क्या है, योगदान करता है। तो आलू बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, चाहे वो जीडीपी की बात करें या फिर इनकम की बात करें, तो आलू बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सारे सब्जियों में पूछा जाए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भारत में है, तो वो भी किसका है दोस्त, पोटैटो का है। पोटैटो की अगर उत्पादन की बात करो तो उत्पादन में नंबर वन कौन है, उत्तर प्रदेश। नंबर वन कौन है, उत्तर प्रदेश। और सेकेंड रैंक आता है किसका,
वेस्ट बंगाल की। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात किया जाए विश्व स्तर पे कि सबसे ज्यादा आलू कहां होते हैं, तो चाइना में सबसे ज्यादा आलू होते हैं और सेकंड रैंक है दोस्त कौन, इंडिया। तो ध्यान रखोगे ये सारे पॉइंट अगर आप डिस्कस कर रहे हो, देख रहे हो, तभी आपको मजा आने वाला है। जो पॉइंट आपको लगता है कि ये नए हैं, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठते हो तो जरूर आप नोट करें। अगर नहीं नोट कर रहे हो तो केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी सी आप पढ़ाई के हिसाब से ही बैठे। आगे हम बात करते हैं कि ये कैसा है लंबे दिवस का पालक। मैंने आपको एक ट्रिक दे दिया कि वे सब्जी जिसका फल के अलावा अन्य भाग खाते हैं वो सारे क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। तो ये कैसा होगा, लॉन्ग डे प्लांट है। तो लॉन्ग डे प्लांट है, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग डे प्लांट। लेकिन लॉन्ग डे प्लांट के होने के बावजूद भी लड़के इसके प्रश्न गलत करेंगे। कैसे, पूछ लेगा कि ट्यूबर का जो फॉर्मेशन होता है, ट्यूबर के आलू के जो ट्यूबर बनते हैं वो क्या है। तो आलू के जो ट्यूबर बनता है वो शॉर्ट डे है। कैसा है, शॉर्ट डे है। तो अब आपको समझा होगा, अब ये थायो यूरिया समझते हैं। थायो यूरिया क्या है कि आलू के सुसुप्ता अवस्था जो डोरमेंट हो गया, अब आलू डोरमेंसी में चला गया। जैसे कटाई कर लोगे तो अब कटाई करने के बाद ना आलू को हम सोचे कि अगले दिन जाके जमीन में बो दे और वो अंकुरित हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आलू अब अंकुरित नहीं होगा, कहां चला गया, डोरमेंसी में। अब बेचारा वो 30-32 सप्ताह तक कहां रहेगा, डोरमेंसी में। इस डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, उसके नींद को तोड़ने के लिए क्या डालते हैं, थायो यूरिया। कितना डालते हैं, 1% डाल देते हैं थायो यूरिया, ताकि उसकी झंझनाहट होते हैं, उसके नींद खुलते हैं। अरे यार हमें तो अब अंकुरण करना है। अब अंकुरण करने के बाद उसके नींद खुलेंगे तो चला जाएगा कहां, वो सोइंग के लिए होंगे। अब वो उपयुक्त जब उसकी आंख उखा जाएंगे ना, जिसको नोड बोलते हो, वो सब आ जाएंगे ट्यूबर में, तब वो किसके लिए उपयोग हो जाएगा, तब वो उपयोगी हो जाएगा किसके लिए, प्लांटिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं ये थायो यूरिया का उपयोग कहां कहां करते हैं सर। तो ये थायो यूरिया का ना तीन जगह उपयोग होता है। कहां ये थायो यूरिया, एक तो आपको ग्लैडुलस में कॉर्म की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, दूसरा आपने अभी देखा पोटैटो में, और तीसरा आपने देखा होगा बेर में। तो बेर में कली को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, किसका, थायो यूरिया का। तो थायो यूरिया का तीनों इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, और तीनों एक ही जगह आ जाए तो अपने मजा आ जाए। सुजल पालीवाल, स्क्रीनशॉट लेने नहीं दिया, किसका लेना था स्क्रीनशॉट बताना, किसका लेना था, ये वाले पॉइंट को, इसका लेना है इंग्लिश वाले को, तो ले ले आप स्क्रीनशॉट। जो आप में नहीं है वो स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले ले, फटाफट ले ले, ये एक्स्ट्रा में लाया हूं तो ये आपको काम आ जाते हैं। जीडीपी नॉर्थ इंडिया, ये पूछा गया प्रश्न है कि आलू सबसे ज्यादा भारत में किस प्लेन में है, ये इंपॉर्टेंट है, तो नॉर्थ इंडिया प्लेन में। बाकी तो मैं सब समझा दिया हूं। चले थायो यूरिया। अब है आलू के जो ट्यूबर होते हैं, इसके अच्छे वृद्धि के लिए, यानी कि ट्यूबर की वृद्धि बढ़ाना है, ट्यूबर की वृद्धि बढ़ाना है, ये कंद, कंद को क्या बोलते हैं, ट्यूबर। अब ट्यूबर की अच्छी वृद्धि के लिए आपको तापमान कितना होना चाहिए, 17 से 19 डिग्री। देखो ये सारे पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जनरल में, कि अगर वो सब्जी जिसका फल के अलावा अन्य भाग खाते हो, इन सबको हम रखेंगे कितना डिग्री पे, आपको याद करा दिया था 18 से 22 डिग्री पे। और जिसका फल खाते हैं उसे हम रखेंगे 24 से लेकर 30 डिग्री पे। एवरेज मैंने बताया था, जैसे कोल क्रॉप आ जाए, मूली आ जाए, गाजर आ जाए, जिसका फल के अलावा अन्य भाग खाते हैं उन सबको 18 से 22, और जिसका फल खाते हैं जैसे सोलेनेसी वाले को, कुकर बीट्स वाले को, तो इसको थोड़ी गर्मी चाहिए। तो गर्मी यानी इसके लिए टेम्परेचर कितना, 24 से 30 डिग्री पे तो तापमान चाहिए। ये इंपॉर्टेंट हो गए थायो यूरिया। अब हम बात कर रहे हैं दोस्त रामहेत, राजस्थान धौलपुर में हाईएस्ट पोटैटो प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है अश्विन, थैंक्स रामहेत। उत्तरा सोलन की गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुरेश चंद्र सैनी, गुड इवनिंग सुजल पालीवाल। जितना आप पढ़े हो इसका एक बार एकदम माइंड में कर ले, आज इतनी पढ़ लेंगे ना आलू की, तू बोलेगा अरे सर अब बस करो, कंठ तक आ गए, यहां तक आ गए, गला तक, कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं आलू में, आलू ऐसा। और हर एक बार जो आप पढ़े हो इससे 20 पॉइंट तो एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे। जो प्रश्न आप नहीं करोगे समझ लेना वो कोई नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना। फुल डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अशोक नागर, यस सर, सुजल, अशोक थोड़ा लेट कर देते हो, मधु शर्मा जी, एकता लखावत, अश्विन कुमार,
बिल्कुल, आप लोग फटाफट पहले पहले जुड़े, आप लेट कर देते हो भाई, आधा मूवी निकल जाता है उसके बाद आते हो, अरे सर पीछे वाले में हुआ क्या, अरे पागल अब तो बीच में हम पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे 10 मिनट के बाद तो बीच में आ जाएंगे, इंट्रोडक्शन ही आप छोड़ देते हो। कि जब मैं कोई कहानी शुरू करता हूँ उसकी मजेदार चीज तो शुरू में है, वही चीज आप छोड़ देते हो। अब ये आते हैं ट्यूबर का औसत वजन, तो ट्यूबर का औसत वजन बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप JRF का क्वेश्चन देख लेना, नेट का क्वेश्चन देख लेना, ये पूछते हैं। हाँ, उसमें ये भी पूछता है कि मीडियम साइज क्या होते हैं, तो 5-10 ग्राम कम कर देना, ये दिमाग लगा देना, 5-10 ग्राम कर लोगे, लेकिन 45 से क्या है 50, इसकी ये आंखें आ गए। इसी की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए यूज कर देते हैं क्या, थायो यूरिया करते हैं, ताकि इसकी डोरमेंसी क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि सर ये वाले आलू ना मेरे घर में बचे हुए थे, इसका सब्जी बना लूं, तो एक लिमिट तक आप सब्जी खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन इसमें ये हरा हरा जो भाग आ रहे हैं ना, ये हरा हरा ये जाके बाद में टॉक्सिक हो जाएंगे, अगर इसको ज्यादा खा जाओगे ना तो ये आपकी वृद्धि को रोक देगा, तो दिमाग लगाना, ज्यादा ये नहीं खाना है। हाँ, कभी आपातकालीन कंडीशन आ गया तो आप इसे खा जाएं, कोई दिक्कत नहीं, पर इसकी मात्रा को बढ़ाना नहीं, तो आपकी मात्रा को कम कर देगा। अब हम समझते हैं कि अगर जो आलू होता है इसके लिए स्टोरेज टेम्परेचर क्या रखते हैं, तो स्टोरेज टेम्परेचर, ये भी 3 पॉइंट आपके एक्स्ट्रा ले आया हूं कि बेस्ट स्टोरेज टेम्परेचर पोटैटो के लिए कितना है, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए तो 2 से 4 डिग्री, ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होना चाहिए। इंटरनल पोटैटो रिसर्च सेंटर, ये एक स्टार लगाना, देखना इसका फुल फॉर्म इस तरह से आते हैं आलू में, जिसे हम कहते हैं CIP, क्या नाम है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP, लोकेटेड कहाँ है, लीमा पेरू में, तो इसको आप स्टार लगा देना ये। तो आपने क्या देखा कि अगर इस आलू को, इस आलू में क्या है, स्टार्च है, इंपॉर्टेंट है ना, स्टार्च। अब टेम्परेचर आप कितना रख रहे हो, अगर स्टोरेज करोगे इसे 2 से 4 डिग्री पे, यानी कि लो टेम्परेचर पे आप करोगे, लो टेम्परेचर पे, तो ये स्टार कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सुक्रोज में, तो ये मैं पहले भी आपको बता दिया, लेकिन जब ये सुक्रोज हाई टेम्परेचर लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च पे, तो ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। अगर इस आलू को ठंडे में रख दोगे, बिल्कुल शीत वाले में रख देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा कहां, सुक्रोज में, और सुक्रोज को थोड़ा सा टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें दोस्त, स्टार्च में, तो ये आपस में इंटर कन्वर्जन हो सकते हैं। इसीलिए ज्यादा दिन तक कोल्ड स्टोरेज में अगर आलू रख दोगे तो वो मीठा मीठा हो जाएंगे, और उसकी क्वालिटी क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। आप देखते होंगे वैसे सब्जी खाने पे कैसा लगता है दोस्त, मीठा लगते हैं, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट पॉइंट जरा देखें, अगला है कि 32 डिग्री तापमान पे, 32 डिग्री तापमान पे कंद का निर्माण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज्यादा ये है तो 22 डिग्री तक क्या करता है, सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि इसको ठंड, थोड़ी ठंड चाहिए। एक्चुअल में आलू क्या है, टेम्परेट रीजन का है, टेम्परेट, जिसे शीतोष्ण वाले सब्जी कहते हो, तो आलू को पसंद क्या है, टेम्परेचर कम, टेम्परेट वाले, बहुत ज्यादा हो सकता है तो ये 30 डिग्री तक बेचारा एकदम माफी उफी मांग के कितना 30 डिग्री तक रह सकता है। लेकिन तुम चाहोगे नहीं, हम तो बीकानेर में आलू लगाएंगे, जैसलमेर में आलू लगाएंगे, वो भी मई जून के महीना, तो एकदम ट्यूबर नहीं बनेगा। 30 डिग्री के बाद ट्यूबर का निर्माण क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसे कंद बोलते हो आप, ट्यूबर का निर्माण कम होते हैं। आलू में जो होते हैं फाइबर की बात करें और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए आलू क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में एक आलू खा लो आप, उसके बाद तेल पी लो, और उसके बाद एक ग्लास क्या है, दाल पी लो, तीनों खा लो, आलू खाया आपने, सब्जी खा लिया, तेल पी लिया, घी, उसके बाद दाल, तो भी हमारे शरीर की जो माइटोकॉन्ड्रिया है सबसे पहले आलू को जलाना पसंद करेगा, क्योंकि यह है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर सबसे पहले किसे जलाना पसंद करता है, कार्बोहाइड्रेट का, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट को जल्दी जलाएगा, इसीलिए चावल रोटी आलू ये सब खाने वाले की एनर्जी दनादन मिलते हैं, लेकिन तेल पीने वाले को एनर्जी जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जलाएगा ही नहीं उसे। आलू में एफिड के क्रांतिक स्तर जो होते हैं, क्रिटिकल लेवल की बात करें,
क्रिटिकल लेवल की बात करें तो ये क्रिटिकल लेवल, ये एफिड आपको दिख रहा होगा कितना, 20 एफिड प्रति 100 जटिल पत्ती, यानी 100 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये एफिड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 20। तभी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार अब इसका कंट्रोल क्या है आवश्यक, नहीं करोगे तो ये पूरी फसल को क्या कर देगा, नुकसान कर देगा। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद की कहानी अब शुरू करता हूं, थोड़ा मैं थक गया हूं, आराम करो, बातें कर लो। पवन जी पानी है भावे सर, देना यार, सर दुख गया। जगदीश चंद्र हाँ, थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों भी, मिकी माउस व्हाट्स गोइंग, यहाँ पढ़ने आते हो पढ़ो, कोई बकवास नहीं करेगा, ये तो सुधरते नहीं है रे। कौन कौन है सर ये जो फालतू वाली बातें करते हैं ना, ये जितेंद्र कुमार सैनी, इसको हटाओ यार सर। सही बोला अंकित, गधेड़े मरने वाले लोग है, इतना मर के पढ़ाते रहो, ये आपस में छही वो ना अंकित, तेरे को खुद का मोबाइल नहीं है। ये बेवकूफों की दुनिया में ना भरे पड़े हैं। नजीर ग्रुप में पॉलिटिक्स की बातें नहीं दोस्तों, ओनली स्टडी की बातें करें। एकता ये सुधरने वाले नहीं है, गधे की कैटेगरी है ना। नैना अश्विन, मैं जिसे देखूंगा ना उसके दिमाग अब खराब कर दूंगा, तो ध्यान रखना। राजेश रानी यस सर, जगदीश सही चल रहे हो, बी मेक क्रिएटर जी सर, युवराज भाकर बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। सुरेश चंद्र कुमावत, पवन कैलाश नहीं आज दिख रहा है, कहां गया कैलाश। राजेश रानी निर्मल, चले आगे बढ़ते हैं। अब आगे की कहानी, आपको एफिड की पता हो गया कि एफिड में किसान लोग कब हम नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल पे जाएंगे, तो जब कितना होना चाहिए, 20 एफिड, कितने 100 जटिल पत्तियों को हम ले आएंगे और उसमें काउंट करेंगे, एफिड की संख्या कितना है 20, अगर वो हो गया तो अब हमें कंट्रोल की ओर जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें ये भी प्रश्न पूछा गया है, आपने अगर इफको क्रिफको का एग्जाम कोई दिया होगा तो देखा होगा, डायरेक्ट प्रश्न था लिटियोवायरस किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका इमेज मैंने डायरेक्ट बता दिया कि ये संबंध किससे रखता है, वायरस आलू से संबंध रखता है। आप अगर कहीं लिख रहे होंगे ना तो डायरेक्ट एक स्टार लगा के ऐसे रख लेना, लुटियोवायरस किससे संबंधित है। तो ये इसका इमेज है। वायरस की जो कहानी होते हैं वो मैं पढ़ा चुका हूं कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकते हैं या तो आरएनए हो सकते हैं। इस वायरस को जानते हो, ये ऊपर की जो ये खोल दिख रहा है ना, ये खोल, इसको हम बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं इसको, कैप्सिड। और ये इसका है जेनेटिक मटेरियल। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकते हैं या तो क्या हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। और जो प्लांट वायरस होते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल प्लांट वायरस का क्या होता है, आप जानते हो प्लांट वायरस जो ज्यादातर होते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, लेकिन कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस इसका आप जानते होंगे डबल स्ट्रैंड होता है क्या, डीएनए। और जबकि एनिमल वाले जो वायरस होते हैं उसका हो सकता है डीएनए भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकता है, और डीएनए आरएनए, हाँ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं ऊपर क्या, कुछ जो वायरस होते हैं उसमें कैप्सिड के अलावा भगवान और एक अलग रूप दे देते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वाले वायरस मैंने बताया था उसमें इनवेलप दे देते हैं, तो कुछ वायरस में और क्या होता है, इनवेलप पाए जाते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि इनवेलप पाए जाते हैं। तो आपको याद है वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होंगे या तो आरएनए होंगे, क्या दोनों हो सकते हैं, तो दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना आप। अब वायरस को क्या कहते हैं, तो वायरस को कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियो प्रोटीन। इसका मतलब क्या होता है सर,
न्यूक्लिक एसिड होंगे इसमें, न्यूक्लिक एसिड होगा और इसके साथ साथ क्या होते हैं इसमें, प्रोटीन होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। कैप्सिड जो बना होता है ना दोस्त, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ध्यान में होना चाहिए, कैप्सिड बना होता है किसका, प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड या तो हो सकता है डीएनए या तो आरएनए, और कैप्सिड किसका होता है, प्रोटीन का। तो देखो ये कैप्सिड, ये खोल ऐसा लग रहा है, ऊपर वाले खोल, ये कैप्सिड कहलाते हैं। आगे की कहानी हम चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में है कि इसका भंडारण कितना डिग्री पे हम आलू को करते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर लॉन्ग ज्यादा दिन तक भंडारण करना है आपको तो 15 से 20 डिग्री पे आए, अगर कोल्ड स्टोरेज में रखना है आलू को तो 2 से 3 डिग्री पे, अगर ज्यादा दिन आप कोल्ड स्टोरेज में रख दिए आलू को तो भी दिक्कत। क्या दिक्कत होगा, ज्यादा दिन अगर आप कोल्ड स्टोरेज में रखोगे तो आलू में ना मीठापन आ जाएंगे, क्योंकि ये स्टार्च कन्वर्ट होने लगेगा किसमें दोस्त, सुक्रोज में। तो ये मार्केट में प्राइस क्या हो जाएंगे, कम। अब हम समझते हैं इसका अर्थिंग, ये मिट्टी कब चढ़ाते हैं, ये प्रश्न घूम फिर के हमेशा आएगा कि कितने दिनों के बाद मिट्टी चढ़ाते हैं। तो मिट्टी चढ़ाते हैं दोस्त 40 दिन के बाद। जहां मैं स्टार लगाऊं तो आप भी कोशिश करो कि हमारे साथ आप स्टार लगाते चले कि 40 दिन के बाद इसके मिट्टी चढ़ाना आवश्यक होता है। अब मिट्टी नहीं अगर चढ़ाओगे तो सपोज दैट कोई आलू कहां ये बाहर निकल गया, तो यहां पे सूर्य के किरण पड़ जाएंगे तो इस आलू में डेवलप क्या हो जाएगा, सोलेनिन। तो मैंने आपको बता दिया था इस सोलेनिन के कारण, इस सोलेनिन के कारण ये आलू कैसा हो जाएगा, हरा। और ये हरा होने के कारण करने लगेगा, यानी हरा होगा तो पूछ सकता है क्लोरोफिल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो ये क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो सकता है, ये करने लगेगा फोटोसिंथेसिस। और ये सोलेनिन होता क्या है, टॉक्सिक, जिसकी मात्रा 20 मिलीग्राम से ज्यादा होने पर प्रति 100 ग्राम पल्प लो और इसमें 20 ग्राम से ज्यादा हो जाए तो इंसान के लिए ये क्या हो जाएगा दोस्त, टॉक्सिक हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सोलेनिन यानी कि ग्रीनिंग को रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं बताओ, मिट्टी चढ़ाते हैं। तो कितने दिनों के बाद, कितने सेंटीमीटर पादप की ऊंचाई हो जाए तो मिट्टी चढ़ाना है, देखो 15 से 20 सेंटीमीटर की होने के बाद ये भाई साहब क्या है, इस पे मिट्टी चढ़ा रहे हैं। तो आपको मिट्टी चढ़ाना है पोटैटो अर्थिंग अप। चलिए जल्दी जल्दी से नोट करें, अभी तो खूब सारे हैं। अब ये कहानी इंपॉर्टेंट है, जरा यहां से अपनी नजरें दिमागे खोल लें। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट कहानी जिसका नाम क्या है, ट्रू पोटैटो सीड। देखो ट्रू पोटैटो सीड और सीड प्लॉट टेक्निक, इसमें ज्यादातर तो वैज्ञानिक पूछ लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट है कि वैज्ञानिक। तो देखो टीपीएस, एक तो ट्रू पोटैटो सीड है और सीड प्लॉट टेक्निक है, तो हम ना एक को ही याद रखते हैं, दोनों को याद नहीं रखोगे, या तो रामानुजन साहेब है या पुष्कर नाथ है, पर एक ही को याद रखो। तो हम हमेशा एक को याद रखते हैं, एसपी, जानते हो ये सीड प्लॉट टेक्निक है, ये दिए हैं पुष्कर नाथ। तो एक को याद रखते हैं एसपी, जो एक ही याद हो जाए, टीपी भी करोगे तो गलत हो जाएंगे, आप एक को याद रखो एसपी। तो सीड प्लॉट टेक्निक पी का मतलब पुष्कर नाथ, ये मेरे याद करने का तरीका है, आप जिस हिसाब से याद किए हो उसी हिसाब से याद रखना, चेंज मत करना। तो ये वैज्ञानिक पूछ लेते हैं कि टीपीएस, टीपीएस का मतलब सत्य आलू बीज, हम बीज समझते हैं उसे जिससे प्रवर्धन किया जाता हो, प्रोपगेशन किया जाता है। तो प्रोपगेशन हमारे दिमाग में आता है कि यार ट्यूबर से करते हैं, 15 से 20 क्विंटल उसका बीज दर है, लेकिन इसमें क्या मैंने बताया क्लास शुरू होने पर कि इसमें फूल भी लगेंगे और फूल लगने के बाद इसमें फल भी लगेंगे, फल को बेरी कहते हैं, और फल लगेगा तो उसके अंदर बीज भी आएंगे, क्या आएंगे उसमें बीज, और उसी बीज को बोटनिकली हम कहते हैं टीपीएस, उस बीज को हम बोटनिकली क्या कहते हैं दोस्त, टीपीएस। तो आपको हमने फल दिखा दिया शुरू में ही। अब ये जो होते हैं कि कैसे लगता है सर, तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए टीपीएस जो ट्रू पोटैटो सीड है, देखिए आप क्या है ट्रू पोटैटो सीड,
तो इसके जो डायरेक्टर थे सीपीआरआई का, वो कौन है बताओ? सीपीआरआई का रामानुजम साहब। तो रामानुजम साहब ने क्या किया, पहले इस आलू को जरा देखें आप नेक्स्ट पॉइंट में, टीपीएस ये तो है आपका क्या, ट्यूबर, ये ट्यूबर है। तो हम क्या करते हैं कि इस ट्यूबर के बाद, ये तो अभी आलू का प्लांट लगा, इसके अंदर ये क्या लग रहा है, ट्यूबर, जो अभी मैंने आपको इमेज में दिखा दिया। अब ये डाइकॉट प्लांट है, ऐसा बनेंगे तो ये क्या है, डाइकॉट, इसमें क्या आएंगे, फूल आएंगे, बिल्कुल सही है। अब फूल आएगा तो इसमें क्या लग रहा है, इधर मैं ऐसे बना देता हूं, फूल आएंगे तो इसमें फल लगेगा, फल कैसा था इसका, बेरी। अब इस फलों में क्या आएंगे, सीड आएंगे दोस्त। अब ये सीड कैसा होगा, इसी को कहते हैं बोटिनिकली ट्रू पोटैटो सीड। तो ये फल के अंदर जो बीज लग रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रू पोटैटो सीड। अब ये जो बीज है ना, जो सत्य बीज, इसका जो कितना लेना चाहिए वजन, तो 100 से 150 ग्राम। ये जो सत्य बीज है इसको वैज्ञानिक लोग क्या है, प्लॉट में लगाएंगे, इस तरह के प्लॉट में लगाएंगे, ये बीजों को लगाएंगे। अब इस बीज से क्या बनेगा बताओ, इस बीज से बनेगा प्लांट, इस बीज से धीरे धीरे यहां पे प्लांट। अब इस प्लांट में आएंगे क्या, ट्यूबर, ये ट्यूबर, इस ट्यूबर को, ये ट्यूबर जो आएंगे इसे ओवरऑल इंडिया में क्या होता है, भेजा जाता है, यानी इंडिया के जो फार्मर हैं वो क्या प्राप्त करेंगे, ये ट्यूबर। लेकिन ये ट्यूबर को बनाया कौन, इस ट्यूबर को बनाया किसने दोस्त, वैज्ञानिकों ने बनाया। ये ट्यूबर जो होते हैं इसके क्या बेनिफिट्स है, तो इस ट्यूबर के बहुत सारे फायदे हैं। अगर जो पहले जो ट्यूबर आता था ये वाले जो किसानों को मिलते थे, अब ये टीपीएस के द्वारा जो ट्यूबर आते हैं इसमें वायरस का आक्रमण कम होते हैं और प्रोडक्शन भी क्या होता है, ज्यादा होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके द्वारा, टीपीएस के द्वारा। तो क्या है इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आपसे मैं क्या डिस्कस कर रहा था, तो ये वाले कि ये वायरस फ्री प्लांट होते हैं जो इसके ट्यूबर होंगे, तो किसानों को एक फायदा। दूसरा, इस तकनीक के द्वारा उत्पादन में कितने तरह के प्रतिशत की वृद्धि कर सकते हैं, तो 30 से 40% की वृद्धि कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए दोस्त किसके, टीपीएस के बारे में। अब जो प्रश्न आते हैं उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, बताओ टीपीएस क्या है। तो टीपीएस को बोला जाए तो ये है सर रामानुजम साहब के द्वारा विकसित किया गया एक न्यू टेक्नोलॉजी है आलू में। तो टीपीएस में क्या देखते हैं, ट्रू पोटैटो सीड, यानी सत्य बीज। सत्य बीज कितना होना चाहिए, जैसे आप टमाटर की बात अगर आप देखो ना, तो सब सोलेनेसी जो है भैंसा है, उधर सोलेनेसी, टमाटर की बात करें, मिर्च की बात करें, बैंगन की 400 लेकर 250 400 ग्राम में निपट रहे थे ना, इन सब की नर्सरी लगाते हो। तो ये आलू जो होते हैं इसके भी अगर बीज लगाओगे सत्य बीज, तो इसके भी बीज दर कितना है, 100 से लेकर 150 ग्राम के बीच ही है। कितना है, 100 से लेकर 150 ग्राम के बीच ही आता है, कौन, ये वाले। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब भाई इससे क्या फायदा है, तो जो किसान को पहले ट्यूबर आते थे ना उसमें वायरस का आक्रमण बहुत ज्यादा होता था, पर इसमें क्या है, वायरस का आक्रमण कम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट, किसान को मजा आने लगा, अरे यार वायरस कम, वायरस कम, वायरस कम है, तो हर किसान टीपीएस टीपीएस की ओर बढ़ने लगा। वैज्ञानिक ने सोचा किसानों को ना एकदम हम यहां से टीपीएस के द्वारा हम अपने टीपीएस वाले जो है बीज उससे ट्यूबर बनाएंगे, उस ट्यूबर को किसानों को भेजेंगे, जिससे उत्पादन भी क्या होगा, ज्यादा। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट आया था जिसका नाम क्या है, ये देखो पोटैटो का फ्लावर है, आप आलू के तो देखते ही नहीं हो, फूल तो देखते नहीं, अगर ये फूल है आलू का तो इसमें फल भी लगेंगे, फल आपको पहले दिखा चुका हूं, और उस फलों के अंदर क्या लगेंगे दोस्त, बीज लगेंगे। दूसरा जो है सीड प्लॉट टेक्निक, मैंने याद कराया था SPT, SP याद रखते हैं हम, तो SP के से क्या हो गया, सीड प्लॉट टेक्निक को दिया था किसने, पुष्कर नाथ ने। हालांकि दोनों कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है, कोई ज्यादा है नहीं, लेकिन अपने अपने नाम इनके हो गए। देखो दोनों में क्या है, पुष्कर नाथ द्वारा इतना में विकसित किया गया था जो उत्तरी भारत में विषाणु रहित बीज पैदा किया जाता है, बस उत्तरी भारत में विषाणु रहित बीज, वायरस फ्री, इसका मेन एम है किसका, सीड प्लॉट टेक्निक के द्वारा। अब अगर इस तकनीक के द्वारा अगर आप ये ट्यूबर पैदा करोगे तो क्या है, ये पछेती झुलसा यानी लेट ब्लाइट एवं मृदा जनित रोग, जैसे सॉइल बॉर्न डिजीज होते हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज से क्या करेगा, बचाव करेगा।
और इसके द्वारा जो बीज होते हैं ना, इसको 2 से 3 साल तक आप संरक्षित भी रख सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो, 3 महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें पढ़ना है। सीड प्लॉट टेक्निक को किसने दिया था? तो एक तो पहला क्वेश्चन यही बन जाएंगे, पुष्कर नाथ ने। उत्तरी भारत में विषाणु रहित बीज पैदा किया जाता है इसके द्वारा। अब ये किसके बचाव करेगा भाई, ये जो टेक्निक के द्वारा जो आप बीज बनाओगे, तो ये लेट ब्लाइट, इसमें डिजीज नहीं लगेंगे लेट ब्लाइट के प्रति, और दूसरा सॉइल बॉर्न डिजीज के लिए। क्या इस बीजों को किसान 2-3 साल तक रख सकता है, ये ट्यूबर को? तो बिल्कुल रख सकते हैं, 2-3 साल तक किसान इसको क्या कर सकता है, रख सकता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन गए कि 2 से 3 साल तक इसको संरक्षित रखा जा सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आपके बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, और इसे आप भूलना मत। डोरेमैन 1-2-3 सर पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल रही है, बिल्कुल पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल रहे हैं दोस्त, आप ले सकते हो टेलीग्राम पे। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं वो लिंक में दिया गया है टेलीग्राम, आप वहां ज्वाइन कर ले। डेली आपको ये पीडीएफ भेजा जा रहा है, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक पूरी केमिस्ट्री की क्लास, 7:30 से अब जीवन में जब तक नहीं मरूंगा मैं, इस टाइम आपको दिखता रहूंगा। चाहे वो एग्रीकल्चर की कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ाऊं, 7:30 से 8:30 आपकी सेवा देता रहूंगा। जैसे पहले रेडियो पर चैनल आते थे ना, अपने कान लगा के एकदम देखते थे आप, बस मोस्ट वेलकम है आपका, इस टाइम आप हमेशा जुड़े। कल्पेश जी राम राम, धर्मपाल फोगेट, बातें करना है आप हमसे करो ना 2-4 मिनट, क्या है। जगदीश चंद्र, जय जवान जय किसान, एग्रीकल्चर क्वेश्चन, एनी एग्जाम, ये कैसे नाम रखते हो, एग्रीकल्चर क्वेश्चन, एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम में एग्रीकल्चर क्वेश्चन। हाँ सर, अश्विन कुमार जी सर, धर्मपाल जी, मैना मीना जी सर, मधु शर्मा जी, पवन कुमावत सर, वायरस रहित सीड टीपीएस या एचटीपी दोनों मेथड से प्राप्त होते हैं? बिल्कुल दोनों से होंगे, लेकिन ये जो है, अगर दोनों ऑप्शन आ गया तो दोनों ही करेंगे, ठीक है। टीना कीर जी सर, कल्पेश राजमीना, अब ये जो देखो सीड प्लॉट टेक्निक है ना, हम आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां करते हैं बताओ, उत्तरी भारत में। तो उत्तरी भारत में अगर वायरस का आक्रमण ज्यादा हो गया, तब तक पूरी देश के नुकसान हो जाएंगे पागल। 85% आलू ना उत्तरी भारत में ही होते हैं, देख ले। अब केरला में याद रखना, केरला में आलू का उत्पादन ही नहीं होता, तो सबसे ज्यादा उत्पादन हम उत्तरी भारत में। तो उत्तरी भारत में जो बीज आते हैं, ये वायरस फ्री हो, वायरस फ्री हो। तो ये रामानुजम साहब ने एक तकनीक दे दी, पुष्कर नाथ ने एक तकनीक बना दिया, सीड प्लॉट टेक्निक। तो सीड प्लॉट टेक्निक के द्वारा वायरस फ्री प्लांट हम गेन करते हैं। चाहिए मनीष विष्णोई, गुड इवनिंग गुरु मनीष, बहुत दिन के बाद यार, कहाँ है मनीष। मुकेश संदेशा, यस सर। गुलशन कुमार, हाय सर। गुलशन, हाय गुलशन, कौन सा गुलशन, आप अपना परिचय फुल दें। सुरेश चंद्र सैनी, प्रियंका यादव, टीना, अश्विन, किन्हीं भाई से बहनों को कोई दिक्कत नॉर्थ इंडिया में? बिल्कुल अश्विन, नॉर्थ इंडिया में। अब इसके बाद जो चलेंगे ना, अगली बार 3 ट्रिप में 3री ट्रिप में खत्म करूंगा, अब की चलूंगा तो एकदम फाइनल कर दूंगा, लास्ट तक। पेट दुख रहे मेरे, बताओ। गिरिराज सर, अभी तो पूरी पॉलिटिक्स के मंडली थी, पता नहीं टाइम नहीं मिलता क्या इनको। अशोक नागर सर, अभी जाने के समय नहीं है, अभी तो बहुत विद्यार्थी का जीवन बनाना है। बिल्कुल, तो अभी तो बनाना है, उद्देश्य है, सबसे पहले आप लोग सुपरवाइजर बने, बाकी लोग जो है, कुछ लोग जेट की तैयारी कर रहे हैं, अपने जेट के मकसद को प्राप्त करें, फिर अपने को जाना है। निर्मल जामीण, राजेश जी, चले अब आगे की कहानी शुरू करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सुरेंद्र सिंह गुजर, अश्रु यादव, गिरिराज, मैना मीना, एकता लखावट जी, चले अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब आपने कर लिया सीड प्लॉट टेक्निक के द्वारा, ये कि 2-3 साल तक क्या करोगे, बीजों के संरक्षित रखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखो, डी हॉल्मिंग क्या होता है? डी हॉल्मिंग का मतलब, डी का मतलब होता है हटाना, तो किसको हटा दोगे? डी का मतलब क्या होता है? हटाना, और हॉल्म का मतलब होता है वेजिटेटिव पार्ट, यानी ये तो आलू लगे हुए हैं, सही है,
अब इसके वनस्पतिक भाग को हटाना, वनस्पतिक भाग को हटाना, वेजिटेटिव पार्ट को हटाना, वनस्पतिक को हटाना क्या कहलाएगा? डीहॉल्मिंग। देखो अगर ये वनस्पतिक भाग को हटा दिए, हार्वेस्टिंग से 10 से 15 इस भाग को हटा दो, अगर इसको हटा दोगे तो क्या होगे? सबसे पहले आलू, आलू की बुआई अक्टूबर नवंबर शीतकालीन में 3-4 महीना लगेंगे, दिसंबर में या जनवरी में इसका क्या होंगे, हार्वेस्टिंग होंगे, ट्यूबर का हार्वेस्टिंग करोगे। जब हम ट्यूबर के ये हार्वेस्टिंग करने वाले हैं, इसका अब ट्यूबर निकालेंगे जो एक्चुअल में तना है, क्या है वो तना है। अब इसको जब निकालोगे ना तो इसको काट देते हैं, ये वाले भाग क्या कहलाया, वेजिटेटिव भाग, इसको दनादन काट देंगे। काटोगे तो फायदा क्या होगा, इस पे सबसे पहले तो एफिड का आक्रमण ज्यादा होते हैं, एफिड, तो ये आलू में बचाव हो जाएगा आपको किससे, एफिड से। फायदा क्या क्या है, एफिड से बचाव होगा। जब ये भाग काट दोगे तो जो पोषक तत्व ऊपर जा रहे थे पत्तियों में, ये पोषक तत्व ऊपर नहीं जाके अब किसको मिलेगा, ट्यूबर को मिलेगा। तो ट्यूबर के साइज क्या हो जाएंगे, बड़ा, यहां लिख देता हूं, ट्यूबर साइज भी क्या होगा आपको बताओ, ज्यादा, तो ट्यूबर साइज आपको बढ़ जाएगा। दूसरा एफिड का यानी वायरस अटैक क्या होगा, कम होगा, वायरस अटैक कम होगा, ट्यूबर की साइज क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तीसरा जो आलू लगाते हो ना, ये आलू, तो ये आलू जो खेत से निकालते हैं, इसके ऊपर वाले ये जो भाग कहलाता है, इसको कहते हैं पेरीडर्म। क्या कहते हैं इसको, पेरीडर्म, एकदम ऊपर ऊपर वाले भाग। तो जानते हो ये जो एकदम नया जो आलू होता है, इसका पेरीडर्म जो छिलका ऊपर वाला, देखता वो कट्टे में डालते ही ना पूरी आलू का छिलका हट जाएंगे, तो इसका पेरीडर्म बहुत मुलायम होते हैं बेचारा। जैसे आप आलू निकालते होंगे तो सब लोग देखता होगा, एकदम नया वाले जो आलू होता है ना, उसका छिलका एकदम सॉफ्ट होते हैं। आप जूट के बोरे में रख दो और ऐसे से घुमा दो तो पूरा छिलका निकल जाएगा, बेचारा बोलेगा नंगे होके बाहर आ गया। तो ये होते हैं इसके क्या, पेरीडर्म। तो अब क्या फायदा है डीहॉल्मिंग का, वो मैं आपसे चर्चा करता हूं। क्या क्या है डीहॉल्मिंग के फायदा, तो सर पहला फायदा है कि वायरस का जो अटैक है वो तो कम हो जाएंगे, बिल्कुल सही। दूसरा है जो न्यूट्रिएंट्स ऊपर जा रहे थे, वो न्यूट्रिएंट्स अब कहां आ जाएंगे, ये ट्यूबर में, तो ट्यूबर के साइज भी क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, बिल्कुल ट्यूबर के आकार बढ़ जाएंगे। और ट्यूबर के आकार जब बढ़ेगा, 8-10 दिन इसको ऐसी धरती में छोड़ दिए हैं, पत्ती को हटा करके 10 दिन छोड़ देते हैं, तो छोड़ दोगे तो धीरे धीरे उसकी पेरीडर्म जो है, पेरीडर्म क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, पेरीडर्म क्या हो जाएगा दोस्त, ये भी मजबूत हो जाएंगे। ताकि पेरीडर्म मजबूत होने से क्या फायदा है, जब इसको आप दूर ले जाओगे कट्टे में भर के, जैसे उदयपुर से महाराष्ट्र ले जाऊंगा, तो ट्रक में ऐसे ऐसे हिलेगा, तो हिलेगा तो इसके छिलके नहीं उतरेंगे। मैं तो महाराष्ट्र में पता लगा कि आलू ना नग्न आया है, यहां से फोन करेगा महाराष्ट्र वाला, नहीं लूंगा ट्रक, वापस ले जाओ, क्योंकि तेरे सारे आलू क्या है, नग्न है। तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो सबको कपड़ा पहना के भेजा था। तो पेरीडर्म हल्का होने के कारण ट्रांसपोर्टिंग में क्या हो जाएंगे, सारे छिलके उतर जाएंगे। तो 8-10 दिन आलू को जमीन में रहने देते हैं, तब जाके हार्वेस्टिंग करते हैं, डीहॉल्मिंग, पत्ती उत्ती हटा दिया ऊपर से, अब नीचे रहने दो, 10 दिन के बाद उस ट्यूबर को हम जमीन से निकालेंगे। तो पेरीडर्म स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको क्या होगा, इसकी सेल्फ लाइफ जो होते हैं, इसकी सेल्फ लाइफ वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ज्यादा। और सेल्फ लाइफ ज्यादा होंगे तो मैकेनिकल इंजरी, सर मैकेनिकल इंजरी क्या होते हैं, वही इंजरी जो ट्रक से हो जाए, चाकू लग जाए किसी का, ऐसे लेबर ऐसे कस के पटक दे तो सारे छिलका बाहर आ जाए, तो इन सबसे बचाएगा आपको कौन, जब पेरीडर्म इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इन सबसे क्या करेगा दोस्त, बचाव करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसके लिए, डीहॉल्मिंग के लिए। शायद आपको डीहॉल्मिंग समझ में आ गया होगा, इसकी प्रश्न की बात कर ले तो क्या बनता है, तो ट्यूबर निकालने से 10 से 15 दिन पहले क्या करते हैं, डीहॉल्मिंग करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कब करते हैं, तो सामान्यतः ये दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जनवरी के प्रथम सप्ताह में करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट।
डीहॉल्मिंग में क्या करते हैं, इस वनस्पति वाले भाग को क्या करते हैं दोस्त, हटा देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डीहॉल्मिंग। अगला पॉइंट क्या है, इसके फायदा वायरस अटैक कम होगा, ट्यूबर की साइज ज्यादा होंगे, पेरिडर्म क्या होगा स्ट्रॉन्ग, और सेल्फ लाइफ इसका क्या होगा ज्यादा होंगे। ये हो गए डीहॉल्मिंग। आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना, क्योंकि डीहॉल्मिंग से प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त। अब हम बात करते हैं इसके वैरायटी के बारे में कि कौन कौन से वैरायटी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देख लेते हैं। एकदम एक दिन में एक फसल को तो निपटा ही देना, और ये बहुत लंबा चल रहा है, बाकी तो एकदम छोटे छोटे भी आएंगे। अब हम पढ़ते हैं अर्ली वैरायटी। सारे वैरायटी पढ़ना है सर? नहीं, इसमें केवल एक वैरायटी आप स्टार्ट लगा लेना, खुफरी अशोक। जो अशोक था ना, उसको हर चीज में जल्दीबाजी था। अगर किसी वैरायटी में कुफरी लग जाए तो वो आपको पता है कि वो शिमला से निकाला गया वैरायटी है और आलू का है। अशोक जो था हर चीज में जल्दीबाजी, इतने कम उम्र में पूरी भारत को जीत लिया था, एकदम मस्त वाला अशोक था। तो याद रहेगा अशोक अगेती है, एकदम उत्साह वाला, जल्दी आ जाएगा अगेती। ये सारे पॉइंट आप छोड़ सकते हो, इसमें आपको याद नहीं करना है। मध्यम वैरायटी में बात करूं तो आपको एक केवल खुपरी बादशाह, इसे कहते हैं मल्टी लाइन रेसिस्टेंट वैरायटी। सर मल्टी लाइन नहीं समझाऊं, मल्टी लाइन रेसिस्टेंट यानी मल्टी लाइन प्रतिरोध वैरायटी। तो मल्टी लाइन का मतलब बहुत सारे बीमारियों के प्रति क्या है, रेसिस्टेंट। जैसे पछेती झुलसा के प्रति ये क्या होगा, रेसिस्टेंट। अगेती झुलसा के प्रति क्या होगा, रेसिस्टेंट। सिस्ट निमेटोड के प्रति क्या पूछ लिया जाए तो रेसिस्टेंट होते हैं ये। तो ये सारे के प्रति क्या होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं। गोल्डन निमेटोड के प्रति पूछ लिया जाए तो रेसिस्टेंट होते हैं। तो इसको कहते हैं मल्टी लाइन रेसिस्टेंट वैरायटी। कौन है, और नाम ही है इसके दोस्त क्या, बादशाह। तो बादशाह क्या है, एकदम रेसिस्टेंट, सारे बीमारियों के लिए रेसिस्टेंट कौन है, तो खुफरी बादशाह। तो ये याद रखना, स्वर्णा की बात हम अभी नहीं करेंगे, ये याद हो जाएगा। खुपरी शीतमान, देखो शीतमान का मतलब होता है ठंडे प्रदेश के लिए, तो ये ठंडे प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है, खुपरी शीतमान ठंडे प्रदेश के लिए। तो खुपरी बादशाह मल्टी लाइन डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी है, सारे बीमारी के लिए रेसिस्टेंट कौन हो जाएगा, खुपरी बादशाह। खुपरी शीतमान, शीतमान के लिए, कोल्ड प्रदेश के लिए, ठंडे प्रदेश के लिए क्या है, शीतमान। तो दो इंपॉर्टेंट यहां से आप याद रख सकते हो। अगर हम बात करें पछेती की, तो पछेती की खुफरी सिंदूरी महत्वपूर्ण वैरायटी है, सिंदूरी ध्यान रखना, सुटेबल फॉर डिहाइड्रेशन, फ्लैग एंड केनिंग। तो ये याद रखना, केनिंग का मतलब होता है डिब्बाबंदी, डिब्बाबंदी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, खुफरी सिंदूरी। या प्रसंस्करण के लिए, सूखे आलू के लिए, तो खुफरी सिंदूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोसेसिंग के लिए यानी चिप्स उप्स बनाने के लिए, तो नाम ही है चिप्स होना, तो ये याद रख लोगे चिप्स होना। और खुफरी देवा, ये भी इंपॉर्टेंट है, खुफरी देवा, खुफरी सिंदूरी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम याद करते हैं इसे 10 जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ट्रिक से मैं याद करा दिया था। टीना केर लेट ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी, हाँ ये यहां आने वाले हैं टीना। देखो अब लड़के ना इसे पढ़ ले तो भी काम हो जाए। पछेती झुलसा सबसे महत्वपूर्ण वैरायटी है, तो आपके एग्जाम में आएगा तो लेट ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी ही पूछेगा कि पछेती झुलसा के लिए रेसिस्टेंट क्या है। और एकदम कमर कस के रखना है पछेती झुलसा, हिलने नहीं देंगे पछेती। जीवन ज्योति नवीन मोती कुंदन किशोर बादशाह अलंकार, क्या मैंने बोला, जीवन ज्योति नवीन मोती कुंदन किशोर बादशाह अलंकार। ये जो सारे वैरायटी है, ये पछेती झुलसा रेसिस्टेंट वैरायटी है दोस्त, लेट ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी है। क्या मैंने बोला, जीवन ज्योति नवीन मोती कुंदन किशोर बादशाह अलंकार। तो ये जो 8 वैरायटी आपने देखा, ये किसका है, लेट ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी है। और इसी से प्रश्न आपको गिर के आ जाते हैं कहीं न कहीं, या तो ज्योति पूछ लेगा, और या तो हमारे हिसाब से दोस्त बादशाह, अलंकार भी कभी कभी आते हैं, पर बादशाह और ज्योति इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसे तो आप ध्यान में रखना। पछेती झुलसा रेसिस्टेंट, लेट वैरायटी इंपॉर्टेंट, जीवन ज्योति नवीन मोती कुंदन किशोर बादशाह अलंकार, जीवन ज्योति नवीन मोती कुंदन किशोर बादशाह अलंकार।
प्रकार ये पछेती झुलसा रेसिस्टेंट वैरायटी है, याद हो जाना चाहिए आपको। अब है रेसिस्टेंट टू गोल्डन सिस्ट निमेटोड। सिस्ट निमेटोड के लिए मैंने आपको बताया खुफरी स्वर्णा और खुफरी देवा, ये इंपॉर्टेंट। जो निमेटोड आपको मैंने बोला था गोल्डन निमेटोड, उसके लिए दो इंपॉर्टेंट, खुफरी स्वर्णा और खुफरी देवा। तो बताओ पछेती झुलसा बादशाह किसके लिए? पछेती झुलसा। अगेती वैरायटी कौन है? अशोक, खुफरी अशोक आया था। चिप्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट कौन? अरे सर चिप्स होना, चिप्स बनाने के लिए। ठंडे प्रदेश के लिए क्या है? तो खुफरी शीतमान, नाम ही है रे शीतमान, ठंडे प्रदेश के लिए। चिप्स बनाने के लिए चिप्स होना, तो ये इंपॉर्टेंट। देवा स्वर्णा ये कैनिंग में ही उपयोग होते हैं। सिस्ट निमेटोड गोल्डन निमेटोड के लिए तो देवा और स्वर्णा, स्वर्णा स्वर्णा, अरे स्वर्णा याद हो जाएंगे सर, गोल्डन स्वर्ण, गोल्डन स्वर्ण यानी कि स्वर्ण निमेटोड के लिए स्वर्णा, याद हो गया। गोल्डन निमेटोड के लिए स्वर्णा, बहुत इजी, गोल्डन निमेटोड के लिए स्वर्णा। ले कभी कभी ट्रिक बोलते बोलते मिल जाते हैं, तो स्वर्णा यानी स्वर्ण के लिए, गोल्डन निमेटोड के लिए स्वर्णा। ये याद हो गए सारे इंपॉर्टेंट वैरायटी जो हमसे पूछते हैं। और ये कहां से डेवलप होता है आपको पता है, सीपीआरआई। वो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो है वो भी कर लेते हैं, अभी 5 मिनट है तो आपको छोड़ूंगा नहीं। मैंने बताया था कि जो सार में है ना उससे 20-25 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ा के जाऊंगा, बिल्कुल मैंने और ला लिया। लीडिंग प्रोडक्शन क्या है दोस्त? उत्तर प्रदेश 33% का शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, बिहार। उसके बाद लीडिंग पोटैटो LEADING, लीडिंग पोटैटो कंट्री की बात करो तो मैंने बोल दिया चाइना फर्स्ट रैंक है और इंडिया का रैंक क्या है? सेकंड। रेसिस्टेंट लेट वैरायटी ये रूट स्टॉक कौन है? तो सोलेनम डेसमीसम, तो ये याद रखना। क्या ये तो बड़े एग्जाम जो AAO प्री पीजी ये सब देने वाले हैं ना उनके लिए ये आ सकते हैं, और बड़े एग्जाम जो देते हैं कि डेसमीसम जो है सोलेनम डेसमीसम, तो ये क्या है? इसके लेट वेलाइट रेसिस्टेंट रूट स्टॉक है। टीपीएस क्या कहलाता है? ये किसी के लिए भी आ सकता है। टीपीएस 20 बार बोल दिया हूं, बोटनिकली सीड प्रोड्यूस होते हैं जो सेक्सुअल मेथड से होते हैं उसी को हम बोलते हैं टीपीएस, बोटनिकली सीड। बोलेगा आलू के बोटनिकली बीज को क्या कहते हैं? आलू के बोटनिकली बीज को क्या कहते हैं? टीपीएस कहते हैं। बेयर हाउस में टेम्परेचर क्या रखते हैं? ये मैं बोल चुका हूं आपको, बता दिया हूं। डिजीज एंड पेस्ट ये मैं कल पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं एक रिवीजन करवा के जाऊं आपको कि कौन कौन सा डिजीज है। तो कल आपने पढ़ा था लेट ब्लाइट होते हैं, पोटैटो वाट होता है। पोटैटो वाट जो है सबसे ज्यादा कहां लगते हैं? वेस्ट बंगाल में। ये भी किससे होंगे? फंजाई से होंगे। उस फंजाई का नाम क्या बता चुका हूं? सिनक्राइटियम इंडोबायोटिकम। ट्यूबर बॉर्न डिजीज है, ये कहां होते हैं? ट्यूबर में होते हैं। और ये जो होते हैं ना किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पे होते हैं, इसीलिए ऐसे वाले डिजीज को कहते हैं इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब, इन का मतलब होता है अंदर और डेमिक का मतलब होता है क्षेत्र। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वो जो बीमारी होते हैं ना उसको हम बोलते हैं इंडेमिक। तो ये कैसा है? इंडेमिक। और लेट ब्लाइट जो है मोस्ट सीरियस डिजीज है और ये है एपिडेमिक, यानी कि ये ध्यान रखना एपिथोटिक डिजीज होते हैं। और ये अकाल का कारण कहां बना था? आयरलैंड में। ये पढ़ चुके हैं दोस्त, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने दो सर, किसका लेना है ले? जल्दी से लेना, ये जो सार में नहीं है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ताकि आपको पूछने लगे कि सर छूट रहा है। बिल्कुल आप आते हो तो कुछ तो 25-30 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा दे के जाऊं। ये देखो डायरेक्ट पूछते हैं टीपीएस वाला, इंडिया में कितना प्रोडक्शन हो रहे है? ये आपके डेटा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ले लिए होंगे, चले आ गए। तो ये डिजीज के बारे में अपने बात कर लिए। अगला है ड्राई रॉट। ड्राई रॉट है, सॉफ्ट रॉट है, तो ये लिख देता हूं यहां ड्राई रॉट। ड्राई रॉट फ्यूजेरियम से होते हैं, दूसरा सॉफ्ट रॉट, और ज्यादा पढ़ना है तो ये सॉफ्ट रॉट। अगला बैक्टीरियल बिल्ट है, ये स्कैब आपने देख लिया, पोटैटो स्कैब, ये भी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो ये और वाल्ट, तो ये सब सारे कल मैं थोड़ा सा इसका अच्छा से लाऊंगा स्क्रीनशॉट, थोड़ा जो अभी दिख नहीं रहे होंगे, हालांकि मुझे तो लग रहा है इसमें दिख रहा होगा तो ठीक है, दिख रहा है तो अच्छी बात, नहीं दिख रहा है तो और कल क्लियर मैं भेजूंगा। अब आगे जो है इसमें वायरस, तो वायरस इंपॉर्टेंट है। वायरस के लिए हम नाम बोल देते हैं पोटैटो लीफ रोल, ये इंपॉर्टेंट है। लैटेंट मोजाइक, लैटेंट मोजाइक यहां लिख देता हूं, लैटेंट मोजाइक, ये एफ
मोजाइक, लेटेंट मोजाइक इंपॉर्टेंट है, इसी को फेंट मोजाइक भी बोलते हैं, एफ ए आई एन टी फेंट, तो ये दोनों याद रखना, लेटेंट या फेंट, सब एफिड के द्वारा, सीवियर मोजाइक ये याद हो जाएंगे आपको। अब इसके पेस्ट की बात करें कि भाई इसके सबसे घातक पेस्ट कौन होते हैं, तो घातक पेस्ट कौन है, एफिड है इंपॉर्टेंट, एफिड। दूसरा कटबाउम, ये भी बहुत घातक, कटबाउम का नाम भी पूछ लेता है, एग्रोटिस आइपीसिलोन, तो ये नाम ही आप याद रखना, वेक्टर ऑफ पोटेटो वायरस। ट्यूबर मॉथ सबसे घातक पेस्ट कौन है, आलू का सबसे घातक पेस्ट अगर पूछ लिया जाए तो टिक करोगे क्या, ट्यूबर मॉथ। तो क्या सर पूरी याद रखना है, नहीं नहीं मैंने तो ये नाम खाली बोल दिया, ल्यूटियो वायरस, मैंने बोला था ना अभी, ल्यूटियो वायरस किससे संबंधित है, ल्यूटियो वायरस, अब इससे डिटेल क्या पढ़ोगे, ल्यूटियो वायरस किससे है, पोटैटो से संबंधित, भाई वायरस से प्रश्न आएगा तो ल्यूटियो वायरस। एक मैंने बोल दिया लेटेंट मोजाइक या फेंट वायरस किससे संबंधित है, आलू से है। दूसरा इसका अगर पेस्ट पूछ ले कि सबसे खतरनाक पेस्ट कौन है, तो एफिड है, कटबॉम है, ट्यूबर मॉथ है। पर सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा, ट्यूबर मॉथ, कौन पहुंचाएगा, ट्यूबर मॉथ। देखो 30-70% तक का डैमेज कौन करता है, ट्यूबर मॉथ, तो ट्यूबर मॉथ इंपॉर्टेंट है। अब निमेटोड की बात करें तो गोल्डन सिस्ट निमेटोड, कौन सा निमेटोड है, गोल्डन सिस्ट निमेटोड। रेसिस्टेंट वैरायटी तो मैंने बात कर लिया, खुफरी स्वर्णा, और ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कहानी हो गए आपके कंप्लीट आज मैंने किया। अच्छा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कल करवा चुका हूं, पढ़ देता हूं एक बार, पढ़ा तो दिया हूं पर पढ़ देता हूं। ग्रीनिंग किसके कारण है, सनलाइट के कारण, इंटरनल ब्राउन स्पॉट मॉइस्चर के कारण, ब्लैक हार्ट किसके कारण, पुअर वेंटिलेशन, हॉलो हार्ट किसके कारण, अधिक नाइट्रोजन के कारण, चिलिंग इंजरी बता चुका हूं, फ्रीजिंग इंजरी बता चुका हूं, सब बता चुका हूं, चिलिंग इंजरी 0 डिग्री से कम पर, फ्रीजिंग इंजरी -0, 1 डिग्री पे, 10 डिग्री से कम होना चाहिए, देखो यहां थोड़ी सी गड़बड़ है, 10 डिग्री से कम तक पर क्या हो जाएगा, चिलिंग, और 0 से कम पर फ्रीजिंग। तो ये पॉइंट देखो आपके लिखे हुए हैं, पर ये चीजें मैंने करवाया है ना, अब ये कंप्लीट हो गए पोटैटो। अब आप कोई भी प्रश्न बोल दो कि सर ये नहीं करवाया, जो आपके एग्जाम में आते हैं, ये बहुत डिटेल हो गया। तो जो नए बच्चे होंगे या पुराने बच्चे होंगे, जो हमसे पढ़ा भी होगा, उसको भी आज कुछ ना कुछ शिक्षा तो मिला होगा। समय ऐसा नहीं कि आपने यूं ही बर्बाद किया होगा। तो हर दिन दोस्त जो हमसे पढ़ भी चुका है, उसके लिए भी मैं नया लाऊंगा। मैं खुद चाहूंगा कि जो मेरे स्लाइड है उसमें और इंप्रूव करके आपको लाऊं। जैसे आज 30 पॉइंट ही मैं लाया, पर एक्स्ट्रा तो लाया, रोज ऐसा ही मैं लाऊंगा। कल एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे, 7:30 से लेकर 8:30 तक आपका इंतजार रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्त, तो दोस्तों के साथ आप भी शेयर करें, आपका सहयोग हमारे लिए काफी है। आज के लिए इतना ही, अभी 8:45 पे आपके आर्ट एंड कल्चर के शुरू होंगे क्लास, कल फिर मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।